हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा अपने सेकंड फंडामेंटल राइट के बारे में, आज हम जानेंगे अपने थर्ड फंडामेंटल राइट के बारे में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये गिवन है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? मिसयूज ऑफ सर्विस बाय फोर्स। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स एज अ गुड एंड कमोडिटीज फॉर इमोरल पर्पज सच एज स्लेवरी एंड प्रोस्टिट्यूशन। इट मींस कि जब किसी इंसान को खरीदा या बेचा जाता है और उससे फोर्सफुली काम कराया जाता है, जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनसे क्या बोलते हैं, फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे वर्क कराया जाता है। अब फोर्स लेबर का मतलब क्या है? फोर्स लेबर मतलब होता है कंपलसरी लेबर, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उससे आप फोर्सफुली काम करा रहे हैं। अब पहले बेगार सिस्टम हुआ करता था जिसमें चलते जो जमींदार लोग हुआ करते थे, वो लोग बेचारे जो गरीब इंसान हुआ करते थे उनसे उनका फ़ायदा उठाते थे, उनसे काम कराते थे, दिन रात काम कराते थे और उनको सैलरी भी नहीं देते, विदाउट सैलरी। अब दिस इज नाउ अगर कोई भी एक्सरसाइज करता है तो वो पनिशेबल है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। मीन्स कि प्रोहिबिट कर देना। किस चीज़ को प्रोहिबिट करना है हमें? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट किस कोई भी बच्चा जो क्या बोलते हैं जिसकी एज या 14 ईयर्स से कम एज है, अगर वो किसी फैक्ट्री में, माइन में या हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होता है या उसको फोर्सफुली इन्वॉल्व किया जाता है तो ये पनिशेबल है और ये टोटली इसको बैन कर दिया गया है। अब माइन क्या होता है? जैसे किसी कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें बॉम्ब बन रहे हैं और हैजार्डियस ऑक्यूपेशन हो गया, जैसे कि ग्लास, ठीक है, ग्लास का जो जिसमें ग्लास का वर्क होता है, या कोई केमिकल फैक्ट्री है जिससे जो बिल्कुल हैजार्डियस है, जो फॉर चिल्ड्रन के लिए जो हैजार्डियस है। अब इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है हमारा, जैसे अगर फैमिली बिजनेस, अगर किसी पर्सन का, किसी बच्चे का फैमिली बिजनेस है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, उसमें नॉर्मली जाना चाहता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।